हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टीजल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की विशेषताओं के बारे में। देखिए, लैंग्वेज इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का बहुत ऐसा एक अंग है जिसे हम उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, लैंग्वेज की क्या विशेषता है। लैंग्वेज इज लर्नड, मतलब लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है। लैंग्वेज इज नॉट ए बोर्न एक्टिविटी एज क्राइंग एंड वॉकिंग। जिस तरह से क्राइंग एंड वॉकिंग मनुष्य के जन्म से ही एक्टिविटी है, वैसे ही लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, सीखी जाती है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यह कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इट हैज़ टू बी लर्नड, एनी लर्नर लर्न्स द लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है वो क्या है, अनुकरण और अभ्यास। जितना ज़्यादा अनुकरण करेंगे और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उसी तरीके से बच्चा या कोई वयस्क या कोई भी नई लैंग्वेज सीखी जाती है, यह जन्मजात नहीं होती है। लैंग्वेज इज ए एक्वायर्ड बिहेवियर, एक्वायर्ड का मतलब अर्जित व्यवहार है। कैसे है, इफ़ ए बेबी और मैन इज शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी और कल्चरल ग्रुप, ही विल एक्वायर द लैंग्वेज स्पोकन बाय द कल्चरल कम्युनिटी। इफ़ एन इंडियन फैमिली इज सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट, द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली विल एक्वायर द इंग्लिश लैंग्वेज विद द अमेरिकन एसेंट। इसका तात्पर्य ये है कि लैंग्वेज एक एक्वायर्ड बिहेवियर है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम सीख लेते हैं और उस पर हमारा प्रभाव पड़ते हैं। मान लीजिए आप पंजाबी बोलते हैं और आपकी पंजाबी मातृभाषा है, और जब आप किसी ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ पर राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो आपकी बोली पर उसका प्रभाव दिखाई देगा, उच्चारण पर प्रभाव दिखाई देगा, और आप धीरे धीरे उस भाषा को भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये आपके व्यवहार में सीखी जाती है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज इज ए सिस्टम लाइक ए ह्यूमन बॉडी। जस्ट एज बॉडी फंक्शंस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन द सेम वे लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य का शरीर अनेक अंगों से काम करता है, उसी तरह लैंग्वेज में भी साउंड होता है, वर्ड होती है और स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज इज ए प्राइमरली ऑब्जर्व्ड स्पीच इज ए फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर सेकेंडरी। थ्रू स्पीच एंड मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच वी गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन इन्फ्लेक्शन। लैंग्वेज क्या है, वोकल है, प्राइमरली ऑब्जर्व्ड स्पीच है, स्पीच इज ए फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। एवर चेंजिंग, नो लैंग्वेज ऑन अर्थ इज स्टैटिक, एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेस। इसका मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज है उसमें नए नए शब्द आते रहते हैं और उसका रूप बदलता रहता है और वो चेंज होती रहती है। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि जो आज से 100 वर्ष पहले वैसी थी और वैसे की वैसी ही हो। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज आखिर किस लिए है, उसका पर्पस है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे पशु पक्षी जो अब अपने चहचहाते हैं या भौंकता है कुत्ता, तो ये भी उनकी भी एक भाषा है। उसी तरह मनुष्य की भी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, जिससे वो अपनी बात को कह सके। उसके बाद है लैंग्वेज इज आर्बिट्री, लैंग्वेज इज आर्बिट्री, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग इज आर्बिट्री, देर इज नो रीजन वाई ए लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ए लैंग्वेज इन इंग्लिश, भाषा इन हिंदी एंड जबान इन उर्दू। ये कह रहे हैं लैंग्वेज आर्बिट्री होती है, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। वर्ड्स और उसके मीनिंग में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स हमने सीखी, इसका सेकेंड पार्ट हम आगे ज़रूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।